और देखिए लोटस टेम्पल्स बहुत हम सुनते थे और कि यहाँ कितना खूबसूरत, सच में ये कमल के फूल की तरह है। आप सभी लोग इधर से निकले हैं, हम लोग गए थे और देखिए कितना खूबसूरती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मनोज मनोही बोलो को स्वागत है। दोस्तों अभी हम आए हैं लोटस टेम्पल और हमारे साथ है हरिशंकर भाई और आप लोगों को आज मजेदार वीडियो देने वाले हैं। हम आए थे इधर घूमने के लिए तो हरिशंकर भाई भी मिल गया और दोनों आदमी फिर आए हैं अभी लोटस टेम्पल और जा रहे हैं अंदर। आप लोगों को दिखाएंगे अंदर की खूबसूरती, बहुत खूब सुंदर नजारा है और देखिए काफी लोग यहाँ पे आए घूमने के लिए। देखिए दोस्तों यही है लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली के सबसे चर्चित सबसे प्रसिद्ध टेम्पल लोटस टेम्पल। यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं घूमने के लिए, देशों विदेशों से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। देखिए लोटस टेम्पल की खूबसूरती आप लोग दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल, ये क्या चीज का पेड़ है, जाएंगे तो जाने के अलावा नहीं ना। देखिए बस अभी हम लोग जा रहे हैं लोटस टेम्पल की ओर और देखिए लोटस टेम्पल्स बहुत हम सुनते थे और कि यहाँ कितना खूबसूरत, सच में ये कमल के फूल की तरह है। है ही फूल। कमल के फूल है ही। बताइए कारीगर ने कितना अच्छा बनाया है, कितना अच्छा कला प्रस्तुत किया है। हाँ मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले थैला दिया जाता है जो कि आप जूता चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं, जिसकी हरिशंकर जी थैले लिए हाथ में और हम लोग जा रहे हैं अंदर। दोस्तों यहाँ काफी भीड़ है और देखिए लाइन से चलना पड़ता है और इधर बहुत सिस्टम से चलना पड़ता है, जूते चप्पल पूरा उतार के चलिए। दोस्तों ये एग्जिट गेट है और इधर से जो है ना सभी लोग निकलने का रास्ता। दोस्तों फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं और देखिए अंदर देखते हैं। नो फोटो नो फोटो नो वीडियो, यानी कि अंदर आने के बाद नो फोटो नो वीडियो, कुछ भी नहीं करना है लेकिन चढ़ा के शूट कर रहे भाई, जो होगा देखा जाएगा। अंदर से निकले हैं और देखिए यहाँ पे भी काफी भीड़ है और यहाँ हम लोग थैला रख दिए हैं क्योंकि जूता चप्पल रखे हुए थे थैला में और हम हरिशंकर भाई जा रहे हैं फिर आगे घूमने के लिए। चलिए वाह रे वाह, अंदर में गए थे आवाज बहुत गूंज रहा था। दोस्तों अभी सब बाहर निकले हैं इसलिए इतना भीड़ है। आप सभी लोग इधर से निकले हैं, हम लोग गए थे और देखिए कितना खूबसूरती है जो कि यूट्यूब पर सब बहुत छाए रहते हैं। हम लोग जो है ना अंदर से बाहर आए हैं और हरिशंकर जी आप लोग कुछ बताने वाले हैं, देखिए क्या बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये आपके सामने देख रहे हैं, दिल्ली के बहुत ही घूमने वाले जगह है कमल मंदिर लोटस टेंपल। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बनाया गया है, आपके बीच है, यहाँ रहिए चाहे प्रयागराज रहिए, कहीं भी रहिए आजाद रहिए और निफिक्र होकर दर्शन कीजिए। आपके सामने बहुत ही सुंदर मंदिर जो सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है
कि कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, विदेशों से आप देखेंगे देखे होंगे सैलानियों की बहुत ही अंबार लगा रहता है यहाँ पर। और इसके बगल में ही कालका जी माता मंदिर है, बगल में ही कंप्यूटर मार्केट है नेहरू पैलेस, बहुत ही बड़ी मार्केट, और बगल में हरे कृष्णा मंदिर लोटस टेम्पल जिसे कहते हैं वो भी आपके बगल में ही है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे। अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं हम और मनोज भाई, क्योंकि कृष्ण भगवान और राधे रानी की प्यार मिलने वाले हैं, उनका दर्शन करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे भाई बहुत दिनों के बाद बोल रहे थे आज मिलेंगे कल मिलेंगे, लेकिन बाहर में कभी मिलना नहीं हुआ, आज लेकिन अचानक हम लोग मिल गए। बहुत टेम्पल लोटस टेम्पल सुनते थे लेकिन आज फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए और घूम लिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आप सभी दोस्तों को कि हमारे मनोज भाई को आप सभी दोस्तों का साथ चाहिए, क्योंकि देखिए ये जिंदगी की सफर है, जिंदगी की सफर में आप सभी दोस्तों का प्यार और साथ चाहिए, ना इनको धन ना दौलत ना कोई कागजात चाहिए। आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मीठी मीठी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिएगा, बस इतनी सी सौगात चाहिए, बस इतनी सी सौगात चाहिए हमारे भाई मनोज जी को। तो जय हिंद जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण, जय माता रानी की जय, जय जय सिया राम। तो हम लोग लोटस टेंपल घूम लिए हैं और चलते हैं हम लोग आगे की और देखते हैं और कहाँ जाना है। काफी टाइम हो गया, हरे कृष्णा मंदिर अभी जाएंगे, हरे कृष्णा मंदिर, हरे शंकर जी जाएंगे, हरे कृष्णा मंदिर जी बिल्कुल, राधे रानी का दर्शन करना बहुत जरूरी है। वहाँ प्रभु श्री राम जी का भी बहुत ही सुंदर तस्वीर लगा हुआ है, तो बहुत ही रोमांचित करने वाले आप भी, आपके सामने हमारे भाई मनोज जी आज दीवाना बन चुके हैं श्री भगवान। एमडी ब्लॉग चैनल पे आज एक भजन गाने वाले हैं, एक भजन सुनाएंगे हम, आप लोग वीडियो में बने रहिए। Thank you.